माफ कीजिए, तैयार होने में थोड़ी सी देरी हो गई। आज हमारा ईद स्पेशल जो है, आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। इतने मुश्किल टाइम के बाद जो आई है खुशी की घड़ी। ईद के दिन घर का माहौल ही कुछ और होता है, घर पे रौनक, चहल पहल और ढेर सारी मुस्कुराहटें, और साथ में होते हैं खुशबूदार कबाब, खुशबूदार बिरयानियां, लजीज कोरमे और मीठे में सेवियों का मुजफ्फर। आज के ईद स्पेशल एपिसोड में मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं ओएसिस फ्लेवर्स ऑफ रमजान को पावर्ड बाय लैक्नोरेन लाइफ बॉय में। यकीन मानिए, इस सीजन मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यूं लगा कि आप सब मेरे परिवार का ही एक हिस्सा हैं। तो आइए इसी प्यार और अपनेपन से शुरू करते हैं आज का हमारा ईद स्पेशल एपिसोड, जहां मैं बनाऊंगा चिकन बेरी पुलाव और मीठे में बनाऊंगा दलशे दल्ले के खीर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिकन बेरी पुलाव से। तो लीजिए, तेल हो गया है गरम। सबसे पहले डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले, ये कैसा नाम है खड़े मसाले? जी, खड़े मसाले मींस होल स्पाइसेस, वही मसाले जो अभी तक कूटे नहीं गए, यानी साबुत इलायची, साबुत लौंग, साबुत दालचीनी। तो किसी भी मसाले को आप खड़े मसाले की कैटेगरी में डाल सकते हैं। थोड़ी सी लौंग और इलायची। दरअसल इन्हीं मसालों से आती है पुलाव या बिरयानी में खुशबू। थोड़ा जीरा। ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है। जहां तक काफी लोग इसका आंसर जानते हैं, मैं फिर भी थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। पुलाव को बनाने के लिए हमें लेयरिंग करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब मटन, चिकन और चावल इकट्ठा पकाया जाता है एक प्रोसेस में। लेकिन बिरयानी में मीट और चावल को अलग अलग पका के उनकी लेयरिंग की जाती है, और उस लेयरिंग के बाद दिया जाता है दम। सो अकॉर्डिंग टू मी, पुलाव बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए, अगर पानी का एस्टीमेट पुलाव में जरा सा ऊपर या नीचे हो गया तो चावल या तो कच्चा रह जाएगा या ओवरडन हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए और जिंजर गार्लिक नीचे चिपकना बंद कर दे, इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। तो चिकन हम थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। और चिकन के साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक। क्या आप लोग जानते हैं पुलाव का किस्सा कहां से शुरू हुआ?
जहां तक मुझे पता है पर्शिया का एक राजा गया शिकार करने, साथ में ले गया अपनी पूरी सेना और अपने मंत्री। उसी मंत्रियों में एक रॉयल शेफ भी था। वहां उनका दिल हुआ बिरयानी खाने का, तो शेफ ने भी बोला हाँ हाँ सबके लिए बिरयानी बनाते हैं और अच्छी बिरयानी बनाते हैं। लेकिन गड़बड़ वहां हो गई जहां पे सामान तो सारा अवेलेबल था लेकिन बर्तन केवल एक था। तो शेफ पड़ गया चक्कर में। अब क्योंकि राजा को कर दी उन्होंने हाँ बिरयानी बनाएंगे सबके लिए लेकिन बर्तन है एक, तो दम किसमें लगाएंगे। वहां उन्होंने दिमाग लगाया और उसी पतीले में पहले मांस भुना और साथ में चावल डाल दिए, तो जो तैयार होके बना उसको हम जानते हैं पुलाव के नाम से। लेकिन ये डिबेट आज भी ऑन है कि बिरयानी और पुलाव में फर्क क्या है। 10 मिनट चिकन भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे राइस जो मैंने भिगो रखा है आधे घंटे से। मेरा आज का चीट टिप, हमेशा पुलाव बनाते समय चावल को मसाले के साथ थोड़ा भून लें। ऐसा करने से चावल का सौंधापन बाहर आता है। जब तक चल रही है हमारी कुकिंग मैं ले लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू ओएसिस फ्लेवर्स ऑफ रमादान को पावर्ड बाय लैक्नोर एंड लाइफबॉय। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे ये चिकन बेरी पुलाव क्या चीज है। जी दरअसल चिकन बेरी पुलाव पर्शिया का बहुत पॉपुलर पुलाव है। पर्शिया जो आज की डेट में हम ईरान के नाम से जानते हैं। दरअसल ईरान के ड्राई फ्रूट्स और स्पेसिफिकली बेरीज बहुत पॉपुलर हैं, तो वही इजाद हुआ चिकन के साथ बेरी को पका के पुलाव बनाने का सिलसिला। अब जो इंग्रेडिएंट्स मैं पुलाव में डालने जा रहा हूं यहां से ये रेसिपी लेती है एक क्रिएटिव टर्न। ध्यान से देखिएगा, थोड़े से पिंक पेपरकॉर्न्स, रोज वाटर में सोक किए हुए रोज पेटल्स, एंड फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। और डालेंगे इसमें पानी। और हाँ, अगर ईद की तैयारी के चलते घर पर पानी खत्म हो जाए तो प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, ओएसिस डायरेक्ट से ऑर्डर कीजिए, घर पर ही डिलीवर करेंगे। और डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। पानी काफी हद तक सूख चुका है, अब इसको थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि ये अपनी ही खुशबू और भाप में पक जाए। थोड़े से ऑरेंज स्लाइसेस डाल के
थोड़ा सा ब्राउन अनियन, तो चलिए जब तक ये पक रहा है तब तक करते हैं अपनी खीर की तैयारी। तो चलिए खीर के लिए सबसे पहले चाहिए हमें दूध। और दूध गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे इलायची के दाने। दूध पकाते वक्त उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें, वरना दूध नीचे लग सकता है, और जितना ज्यादा हो सके दूध को गाढ़ा कर लें। तो जनाब ये दलशेदा लेखे क्या चीज है? सरल शब्दों में साउथ अमेरिकन रबड़ी है। जी हां, वहां इसको एज अ डेजर्ट खूब खाया जाता है, पर डोंट वरी, ये किसी भी सुपरमार्केट के शेल्फ में इजीली अवेलेबल है, और अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो नो प्रॉब्लम, उसका भी चीट कोड आपको दिए देता हूं। किसी भी कंडेंस मिल्क के टिन को गर्म पानी में 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आपका डल्चे द लेखे तैयार। दूध में जब अच्छा सा उबाल आ जाए और दूध आपको इलायची की खुशबू देने लगे, इसका मतलब है उसमें चावल डालने का वक्त आ गया। और जनरल रेशो है 1 किलो दूध में लगभग 125 ग्राम चावल। चावल डालने के बाद कंटिन्यूसली थोड़ी देर तक स्टर करते रहें, नहीं तो खीर नीचे तले पर लग जाएगी। और हां, मीठा अभी बिल्कुल मत डालिएगा। कब डालना है मैं आपको बताऊंगा। चलती रहेगी हमारी ईद की तैयारी, मिलता हूं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back to Oasis Flavors of Ramadan, co-powered by Lakhnore and Lifebuoy. तो लीजिए, चावल अच्छी तरह पक चुका है जैसा हमें चाहिए इस खीर के लिए। अब टाइम है इसमें मीठा डालने का। अगर आपको याद हो मैंने उस समय मीठा लगाने के लिए मना किया था, उसका रीजन मैं आपको अब बताता हूं। मीठा डालने से चावल का पकना बंद हो जाता है, चावल अच्छे तरीके से पक नहीं पाता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है जब चावल अच्छे तरीके से पक जाए तब मीठा लगाएं। तो लगभग 1 किलो दूध में 125 ग्राम चावल और 100 ग्राम डालिए डल्चे दल लेखे, और उसके बाद अगर मीठे की जरूरत लगे तो आप थोड़ी चीनी भी ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं और तब तक चेक करते हैं पुलाव को। तो लीजिए पुलाव भी हो गया है तैयार और अब करते हैं पुलाव की प्लेटिंग। तो ये लीजिए हमारा चिकन बेरी पुलाव हो गया है तैयार, जिसको मैंने गार्निश किया है कुछ क्रैनबेरीज से। पर अगर घर पर क्रैनबेरीज अवेलेबल नहीं हो तो आप किशमिश भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ खीर भी हो गई है तैयार, तो चलते हैं उसकी प्लेटिंग पे। तो लीजिए हमारी दलशे द लेखे खीर भी हो गई है रेडी और आई एम श्योर इसका यूनिक नटी फ्लेवर आपको बहुत पसंद आएगा। तो क्यों ना इसके साथ बना ले एक रिफ्रेशिंग मॉकटेल भी। Freshly diced mangoes, fresh mint leaves, some chili flakes, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा चाट मसाला and give this all a good stir. Give it a good stir. And our spicy, refreshing mocktail is ready. तो ये थी हमारी आज की dishes. उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो इस बार
ईद की ये स्पेशल इनोवेटिव डिशेस जरूर ट्राई कीजिए। हमारे इस सीजन का मकसद ही यही था कि मैं आपको सिखा सकूं कि घर के कॉमन इंग्रेडिएंट से कैसे बन सकती हैं इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव डिशेस। मैं शेफ प्रदीप खुल्लर मिलूंगा आपसे अगले सीजन में कुछ और इनोवेटिव डिशेस के साथ, कुछ और कहानियों के साथ। तो आइए मिलवाता हूं आप सबको फ्लेवर्स ऑफ रमजान की पूरी टीम से। आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। It's a K Company production.